हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मिनी टॉर्च लाइट बना के दिखाऊंगा। इस मिनी टॉर्च लाइट को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 वाट की एलईडी, आप देख सकते हो एक 1 वाट की एलईडी, IN4007 डायोड, 5 वोल्ट सॉकेट, ये वाला रेजिस्टर जो कि है 3.3 ओम्स, और ये वाला एक रजिस्टर जो है 1 किलो ओम्स, और एक चाहिए हमें एक रेड एलईडी जो कि हमें इंडिकेट शो कर चार्जिंग के लिए, और एक चाहिए हमें पुश बटन। आप कोई भी और एक कोई सा भी स्विच ले सकते हो, मैं यहाँ पे पुश बटन स्विच ले रहा हूँ, और एक चाहिए हमें लेटेस्ट बैटरी। और फ्रेंड्स, मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको चार्जिंग का कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। ये जो हमारा 5 वोल्ट सॉकेट का ये जो रेड वायर है, ये हमारा पॉजिटिव है, और जो व्हाइट वाला वायर है या फिर आपके पास कोई सा भी वायर हो, रेड वाला हमेशा पॉजिटिव होता है और बाकी जो ब्लैक हो या फिर व्हाइट हो ये नेगेटिव होता है। इसमें व्हाइट वाला वायर है ये नेगेटिव है और रेड वाला पॉजिटिव है। एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर लेना है और एक एलईडी लेना है, आप देख सकते हो। इस एलईडी का जो छोटा वाला लेग है ये नेगेटिव है और जो बड़ा वाला लेग है ये पॉजिटिव है। मैं छोटे वाले लेग के साथ रेजिस्टर को कनेक्शन कर देता हूँ, कनेक्शन करके यहाँ पे सोल्डिंग करके फिर मैं आपको बाकी का बताता हूँ। जो एलईडी का छोटे वाले लेग है ये नेगेटिव है, बड़ी वाली लेग पॉजिटिव है। मैंने छोटे वाले लेग के साथ रजिस्टर को कनेक्शन कर दिया है। अब फ्रेंड्स, हमें ये जो डायोड है, जो हमारा डायोड है, इसका जो ये ब्लैक साइड है आप देख सकते हो, इसे हमें एलईडी के पॉजिटिव वाले लेग पे, जो बड़ी वाली लेग है, इसके इस लेग पे लगाना है। हाँ, डायोड कर लिया है यहाँ पे कनेक्शन, और सोल्डिंग भी कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा लेग है हमें यहाँ पे कट कर लेना है, थोड़ा सा कट कर लेना है यहाँ पे। अब हमें फ्रेंड्स सॉकेट के साथ इसका कनेक्शन कर लेना है। जो सॉकेट है, सॉकेट का जो ये रेड वाला है इसे हमें यहाँ पे लगाना है, जो हमारा डायोड का ब्लैक साइड और एलईडी का पॉजिटिव है, इस वाले पॉइंट पे हमें ये लगाना है रेड वाला वायर। और ये जो व्हाइट वायर है हमारा सॉकेट का, इसे हमें एलईडी के यहाँ पे जो रजिस्टर कनेक्शन हुआ है नेगेटिव, यहाँ पे लगाना है इस तरीके से। मैं आपको सोल्डिंग करके फिर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने इसका कनेक्शन कर लिया है। आप हमें बैटरी के साथ इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है मैं आपको दिखा दूँ। फ्रेंड्स, हमारा ये सॉकेट हो चुका है, आप देख सकते हो। ये जो हमारा डायोड का जो सिल्वर साइट है आप देख सकते हो, ये जो डायोड का जो सिल्वर साइट है, और हमारा जो रजिस्टर का ये है, इसे कनेक्शन कर लेना है। ये डायोड का जो सिल्वर साइट है आप देख सकते हो, डायोड का जो सिल्वर साइट है, डायोड का जो ये सिल्वर साइट है, इसे आपको ये जो बैटरी का जहाँ पे प्लस कनेक्शन बना हुआ है इस वाले पॉइंट पे कनेक्शन करना है। हमारा जो ये जो सॉकेट से यहाँ पे जो व्हाइट वायर गया है हमारे रजिस्टर के यहाँ पे, जो एलईडी का नेगेटिव पे जहाँ पे रजिस्टर है, इस वाले पॉइंट पे, ये जो ये पॉइंट है, इसको हमें ये जो बैटरी का माइनस है यहाँ पे लगाना है सोल्डिंग करने। मैं आपको सोल्डिंग करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो जो डायोड का जो सिल्वर पॉइंट है इसे मैंने बैटरी के प्लस पे यहाँ पे लगाए, और ये जो बैटरी का माइनस है वहाँ पे हमने रजिस्टर का इस व्हाइट वायर का जहाँ पे कनेक्शन हुआ है वह मैंने यहाँ पे लगाया माइनस वाले पॉइंट पे, आप देख सकते हो। जो जहाँ पे बैटरी का माइनस है मतलब ये पॉइंट पे, यहाँ पे हमें एक ब्लू वायर लगाना है जो कि हमारा नेगेटिव है, और एक रेड यहाँ पे जहाँ पे प्लस है यहाँ पे हमें रेड वायर लगाना है। ना इसमें लगा लेता हूँ सबसे पहले, ऐसा देख सकते हो मैंने इसे कर लिया है। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इनको चिपका देना है। ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव वाला वायर है। अब हमें फ्रेंड्स इसे यहाँ पे अच्छे तरीके से चिपका देना है, यहाँ पे ग्लू गन से अच्छे तरीके से यहाँ पे इंसुलेट कर देना है। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ग्लू गन से अच्छे तरीके से कवर कर दिया है, आप देख सकते हो। अब फ्रेंड्स, हमें आप क्या करना है, ये जो 1 वाट की जो एलईडी है, ये जो 1 वाट का एलईडी, इसे हमें यहाँ पे चिपका देना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे तरीके से चिपका दिया है। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जो रेड वायर है, रेड वायर का जो रेड वायर है, इसे हमें ये जो प्लस का मिशन है ये हमारा पॉजिटिव है, और ये जो रेड वायर है हमारा बैटरी का पॉजिटिव है, इनको यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। इस वाले वायर को हमें इस प्लस पे सोल्डिंग कर देना है, इस वाले वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। अब फ्रेंड्स, ये जो रजिस्टर है, ये 3.3 ओम्स का जो रजिस्टर है हमारा, 3.3 ओम्स का जो रजिस्टर है, इसे हमें ये जो हमारा एलईडी का जहाँ पे माइनस है आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें लगाना है, और फिर हमें यहाँ पे स्विच लगाना है, फिर स्विच पे ये वायर लगाना है। मैं आपको सबसे पहले
ये रजिस्टर को लगा के दिखाता हूँ। ये जो माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे हमें रजिस्टर लगाना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे रजिस्टर लगा लिया है, देख सकते हो ये जो माइनस वाले पॉइंट पे मैंने यहाँ पे रजिस्टर लगाया है। स्विच का कनेक्शन करना है, तो स्विच का कनेक्शन करने से पहले मैं आपको बता दूँ स्विच के ये जो चार लेग है इनमें से हमें मैंने सोल्डिंग कर लिया है। फ्रेंड्स अब मैं आपको इसे चार्जिंग में देके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हो रेड इंडिकेटर शो करेगा। आपको बस इसे 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक आपको इसे चार्ज करना है, तो ये फुल चार्ज हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसका एलईडी का ब्राइटनेस आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसकी कितना अच्छी रोशनी है इसमें, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और पास में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।